हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमटी करियर मेकर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं मनीदीप आपके लिए लेके आया हूँ आज जनरल साइंस बायोलॉजी में टैक्सोनॉमी का पार्ट। तो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था लाइफ ऑफ इवोल्यूशन, जो कि पार्ट लाइफ साइंस का थर्ड वीडियो था। तो जिन्होंने नहीं देखा उस वीडियो को देख लीजिए, और जो इस चैनल पर नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। फर्स्ट टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी मतलब होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण कैसे किया गया साइंस का, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फोर साइंटिस्ट थे जो रिलेटेड थे किंगडम क्लासिफिकेशन से। पहले थे आपके ये कार्लस लूनस 1758, टू किंगडम। इन्होंने दो बताया कि दो सिर्फ होते हैं, एनिमल और प्लांट। अब एनिमल और प्लांट को लैटिन लैंग्वेज में हम लोग एनिमिला और प्लांटे बोलते हैं, ये आप ध्यान देना। लैटिन अगर लैंग्वेज में बोला जाए तो इसको प्लांटे बोलते हैं, और एनिमल को एनिमिलिया बोला जाता है। इसके बाद हर्नस्ट हैकेल आए 1894 में, इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने इसमें मोने प्रोटेस्टा को यूज़ कर लिया था, जिसकी वजह से थ्री किंगडम हो गए। फिर उसके बाद आए कॉपलैंड, कॉपलैंड ने 1938 इसमें फोर किंगडम बताए, इन्होंने चारों को इंक्लूड किया। उसके बाद कारवाइस 1977, इन्होंने सिक्स किंगडम बताया। सिक्स किंगडम में इन्होंने एक चीज़ को और इंक्लूड कर लिया था, जिसका नाम था, मैं लिख दे रहा हूँ, ARCHAE बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्लस आर्के बैक्टीरिया को इंक्लूड करके इन्होंने सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी की थी, जो कि बाद में आर्के बैक्टीरिया को मोनेरा के अंदर रख के फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ये बताया विटेकर ने 1869 में। तो हम लोग देखते हैं जो फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसका फिगर ये रहा। ये फिगर किसका है मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि दिया गया था विटेकर के द्वारा 1869 में। इन्होंने टोटल जितने स्पीसीज थे उस सब को उठा के पांच डिवीज़न में बांटा, वहीं से ये हमारा फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आता है। तो उन्होंने सबसे पहले जिसका क्लासिफिकेशन किया वो था आपका मोनेरा, यहाँ पे लिखा हुआ है मोनेरा सबसे पहला उन्होंने दिया। मोनेरा क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, ये आपका कामा लगा है, सी मत समझ लीजिएगा, ये कामा है। यूनिसेल्युलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। एग्जांपल आपके जैसे ऑर्गेनिज्म, इसका एग्जांपल आपका माइक्रोप्लाज्मा और बैक्टीरिया है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक मैंने आपको बता रखा है, प्रोकैरियोटिक वे होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड पाई जाती है, लेकिन इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है और सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आई आपकी, इन्होंने दिया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की में क्या ले रखा है इन्होंने, यूकैरियोटिक। अब जितने यूकैरियोटिक थे वो प्रोटिस्टा में आ गए। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं ये। यहाँ पे इसका एग्जांपल आपका एल्गी, दूसरा है प्लाइजम, प्रोटोजोआ। यूकैरियोटिक मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ऐसे होते मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक बोलते हैं, केंद्रक पाया जाता है। इनके झिल्ली नुमा संरचना होती है जिसमें केंद्रक होता है, और यह अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये हेटरोट्रॉफिक नहीं होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक जो होता है वो है आपका हाइड्रोप्रोटिक होता है, ऑटोट्रॉफिक नहीं होता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ये डाउट आ सकता है तो मैं पहले ही क्लियरिफाई कर दे रहा हूँ आपको, ये होता है। उसके बाद इन्होंने तीसरी कैटेगरी बताई फंजाई की, यहाँ पे लिखा हुआ है फंजाई। फंजाई भी यूकैरियोटिक प्रोटिक मोस्टली होते हैं, इसका एग्जाम्पल ईस्ट है और मशरूम है। अब फंगाई आप जानते हैं कि ये खाना अपना नहीं बनाता, ये जो फंजाई होता है, फंजाई प्लस एल्गी, ये आपस में फंजाई प्लस एल्गी ये मिलके आपको लाइकेन बनाते हैं, LICHEN।
फंगाई क्या करता है, इसको फास्फोरस दे देता है, एल्गी इसको खाना दे देती है और ये इसको रहने के लिए शेल्टर घर दे देता है। तो आपस में मिलकर ऐसे ये दोनों लोग रहते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो आप दी वो प्लांटी दिया। प्लांटी में क्या था, ऑटोट्रॉप प्रोड्यूसर थे। ऑटोट्रॉप प्रोड्यूसर मतलब अपना खुद का खाना सब चीज़ था ही। इसके एग्जांपल आपके ब्रायफाइटा, टेरोट्राफाइटा, जेम्नोस्पेरम, एंजियोस्पेरम, ये इसके एग्जांपल थे प्लांटे के। प्लांटे तो आप लोग अच्छे समझते हैं। नेक्स्ट इन्होंने जो कैटेगरी किया वो एनिमिलिया की किया। एनिमिलिया में आल कंज्यूमर, सारे कंज्यूमर आ जाते हैं, जैसे कि वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट जो होते हैं उसको हिंदी में कशेरुकीय बोलते हैं। इसके अंदर पिसीसेस मतलब होता है आपका मत्स्य वर्ग, रेप्टाइल्स, सरपीसृप वर्ग, एवीज पक्षी, आपका मैमल्स, स्तनधारी। इनवर्टिब्रेट क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट वो चीज़ होते हैं जो इसको हिंदी में अकशेरुकीय बोलते हैं। इनके अंदर आपका पोरीफेरा, सिलेंट्रोटेटा, प्लेटोमेंथस, नेमोटेटा, एनिलेटा, मोलिसोको, एरिथोपाडा, आर्थोपाडा। आर्थोपाडा में आप जानते हैं संघ, ये जितने भी यहाँ पे लिखे हैं ये एक संघ को रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट आपका है इनहाइड्रोमेंटा। तो हम लोग अब क्वेश्चन को मूव करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू अ सिस्टमेटिक प्लान इज टर्म्ड एज। इसका प्लान टर्म को क्या बोला गया, क्लासिफिकेशन बोला गया, और करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टू, द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोड्यूसर प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन इज, क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन बी, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी ही तो हमारा वो है, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर है क्लासिफिकेशन का। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है हमारा, थर्ड क्या है, द वर्ड टैक्सोनॉमी वाज क्वाइंड बाई, किसके द्वारा दिया गया था ये वर्ड। तो डी कैंडलोले, ये दिया गया था डी कंडोल के द्वारा दिया गया था ये। करेक्ट ऑप्शन थ्री का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ बायोनॉमियल नॉमक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। फादर ऑफ बायोनॉमियल नॉमक्लेचर किसको बोलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टोर कर लीजिए इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन RRBJEE में पूछा जा सकता है। फादर ऑफ बायोनॉमियल नॉमक्लेचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, कार्लस लिनर्स को बोला जाता है फादर ऑफ बायनोमियल नॉमक्लेचर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ ले एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं हम लोग, क्या है, इन टैक्सोनॉमी द फर्स्ट स्टेप इज, तो इन टैक्सोनॉमी द फर्स्ट स्टेप इज क्या होता है आपका, फर्स्ट स्टेप होता है नेमिंग, उनका नामकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट क्या थी, स्पीसीज, कि कौन सी स्पीसीज है, ये हमारी बेसिक यूनिट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर मूव करते हैं। सेवन क्या है आपका, सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमीज कैरेक्टरिस्टिक्स इज, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी उसकी, कि पहले डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर ट्राइब, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। सेवन का करेक्ट ऑप्शन आपका सी है। क्वेश्चन नंबर एट की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर एट क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्राइटेरिया नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, हाइट। अब हम लोगों ने जब स्पीसीज की टैक्सोनॉमी करना स्टार्ट किया तो उसमें हाइट को मेंशन नहीं किया था, बाकी सारी चीज़ों को देखा कि वो यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है कि हाइड्रोट्रॉफिक है कि ऑटोट्रॉफिक है, सारी चीज़ों को मेंशन किया गया, बट हाइट को लेके हम लोग कोई वो क्राइटेरिया नहीं था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका एट का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं क्या है, बायोलॉजिस्ट हैव सो फार नोन फाउंड एंड आइडेंटिफाई अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम इन टर्म्स ऑफ नंबर, द लार्जेस्ट फाउंड एंड आइडेंटिफाइड सो फार फॉर्म इज एमंग द इन, क्या है, जीव विज्ञान पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला और पहचान लिया है।
संख्या की दृष्टि से ढूंढे हुए और पहचाने हुए अपजीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? सबसे ज़्यादा कीटों की। हम लोग अभी भी देखते हैं आसपास सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, इंसेक्ट्स की है आपकी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्या है आपका? अमीबा रिप्रोडक्शन बाय फिजन, सही है। ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मेथड। तो देखिए आपका कोई भी स्पीसीज है तो वो अपनी पॉपुलेशन को आगे ले जाने के लिए रिप्रोडक्शन करता है। तो रिप्रोडक्शन करने के कई मेथड, या तो सेक्सुअल या तो असेक्सुअल। इसको तो जो ये अमीबा होता है वो असेक्सुअल मेथड से फिजन करता है, फिजन प्रोसेस के थ्रू ये रिप्रोडक्शन करता है अपना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कि मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीज़न इसका सही एक्सप्लेनेशन भी करता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? वार्म ब्लड एनिमल आर दोज व्हिच आर एबल टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को कांस्टेंट टेम्परेचर ऑल टाइम, हमेशा एक कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हैं। हम लोग जो ह्यूमन होता है वो जानते हैं कि अपने शरीर के तापक्रम को एडजस्ट कर सकता है। तो जितने भी स्पीसीज हैं उनको ऐसे बनाया गया है कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। तो ये जो है आपका ऑल इंडोरमस आर विविपोरस, तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो होते हैं ये विविपोरस नहीं होते हैं, मतलब सजीव नहीं होते हैं। सजीव प्रवाहक होते हैं, सजीव प्रवाहक नहीं होते हैं। ये जो होते हैं 5 स्टार होते हैं, और ये इनको अगर इक्वली डिवाइड किया जाए तो इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, बट ये सजीव नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका 12 का ए हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन इज नॉट अ फिश, इसमें से कौन सी फिश नहीं है ये हमें बताना है। निम्नलिखित में कौन मछली नहीं है ये बताना है हमें। तो इसमें से हम लोग जानते हैं स्टार फिश, स्टार फिश नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन इज अ ट्रू फिश, इसमें से कौन सी एक ट्रू फिश है। तो ट्रू फिश कौन सी होती है आपकी? कैटफिश। कैटफिश ट्रू फिश होती है, तो ये लोग इसका कैटफिश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन एक हमने ले रखा है। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से हम एग्जाम में क्या होता है कि हम छोटी छोटी गलतियां करके आते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप क्या पूछा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट पूछा है। अब एग्जाम में क्या होता है, हम लोग नॉट नहीं देखते हैं तो ऐसे करके चले आते हैं, जो सही आता हुआ भी गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चन जब आप एग्जाम दीजिए तो एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए कि क्या दे रखा है क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं। ईस्ट फ्रेगमेंटेशन सही है, करता है ये। कैसीन मिल्क प्रोटीन, कैसीन मिल्क मिल्क में कैसीन प्रोटीन होता है, सही है। एलोवेरा एंजियोस्पर्म सही है। नेप्थस पैरासिटिक एंजियो, ये गलत है, ये आपका करेक्टली मैच नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नेफेथीस जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से खुद का खाना बनाते हैं, और ये वहाँ पर पैदा होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी होते हुए बावजूद ये क्या करते हैं, कीटों से अपना नाइट्रोजन का भरपूर यूज़ कीटों का यूज़ करके नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेते हैं, जिससे कि अपना खाना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से खुद ही बना लेते हैं। तो ये आपका करेक्टली मैच नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉस्किटोज, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अच्छा ठीक, ऑप्शन क्या है? ओनली मेल सक ब्लड, नहीं मेल नहीं करता, गलत हो गया ये। ओनली फीमेल सक ब्लड, ये सही है, केवल फीमेल ब्लड को सक करती हैं, सही है। फीमेल सक प्लांट जूसेस, जूसेस नहीं, ये भी नहीं है, फीमेल नहीं करती, केवल मेल ही सक प्लांट जूसेस करते हैं। फीमेल है बिगर, मेल है बिगर विंग्स देन फीमेल, गलत है, ये आपका गलत है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख
नेक्स्ट क्या है, फीमेल्स हैव बिगर विंग्स देन मेल्स, ये आपका सही है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 एंड 5। तो ऑप्शन से देखते हैं करेक्ट क्या है आपका, डी ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द लैंग्वेज यूज इन इन राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल इज, तो किस लैंग्वेज में एनिमल का नाम लिखा जाता है वो पूछा गया। तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी नाम हैं सब लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। तो लैटिन में, जैसे तभी मैं आपको बता रहा था कि लैटिन में प्लांट को प्लांटे बोलते हैं, एनिमल को एनिमेलिया बोलते हैं, तो ये होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 का क्या है आपका, पाओ क्रिस्टस इज द जियोलॉजिकल नेम ऑफ, तो यहाँ पे मैंने कुछ एनिमल और उनके जियोलॉजिकल नेम की आपको स्क्रीन आपको वो दे दिया है। इसके आप स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में या पीसी में सेव कर सकते हैं। और जैसे ह्यूमन का होमोसेपियंस है, आप याद कर लेंगे तो एग्जाम में इजी रहेगा आपका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, 18 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। कोलंबा लिविया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, किसका नेम है ये आपको बताना है। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पिजन का नाम है ये। 19 का करेक्ट ऑप्शन ये है आप, क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे मैंने कुछ फैक्ट स्नैक के बारे में बता रखा है कि स्मॉलेस्ट स्नैक ऑफ इंडिया कौन सा है, थाइपलिनिया ब्रामिना। बल्कियस्ट स्नैक ऑफ पाइथन है, विविपेरस स्नैक, हाइड्रस विप्रा एंड पाइटियस। लार्जेस्ट स्नैक आपका पाइथन है। तो ये कुछ स्नैक के बारे में था। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में आप सेव कर सकते हैं या पीसी में सेव कर सकते हैं, या लैपटॉप में देख रहे हैं तो लैपटॉप में सेव कर सकते हैं, जिससे कि अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आप इजीली कर सकते हैं वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू एन इंक्रीज इन डाइवर्सिटी एमंग द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में करेक्ट ये क्या है। सबसे पहले क्या था आपने देखा था, मोनेरा था, मोनेरा के बाद क्या था, प्रोटेस्टा था, प्रोटेस्टा के बाद फंगी था, फंगी के बाद क्या था आपका, प्लांटे था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, 20 का सी। इन फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोक्रियाटिस्ट बिलोंग टू, किससे बिलोंग करते हैं प्रोक्रियाटिस्ट, प्रोक्रियाटिक, प्रोक्रियाटिक से बिलोंग करते हैं। 21 का आपका सॉरी प्रोक्रियाटिक जो होते हैं वो मुनेरा होते हैं, और जो हो आपके प्रोटेस्टा होते हैं वो यूकेटेरा होते हैं। तो प्रोक्रियाटिक बिलोंग्स टू किससे होगा, मुनेरा होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन बी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स आर नॉट दे सो मल्टी सेलुलर बॉडी डिजाइन, वो कौन से चीज़ है। 22 का करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, मुनेरा। मुनेरा क्यों नहीं होता है, चूँकि मैंने आपको समझाया था जब पढ़ा रहा था थ्योरी, मुनेरा जो होता है ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उनका कोई मेम्ब्रेन बाउंड तो होती है, लेकिन उसके अंदर सेल ऑर्गेनल नहीं होता है, ना न्यूक्लियस होता है, ना उनकी पर्टिकुलर कोई बॉडी डिजाइन होती है। तो इसीलिए मैंने आपको थ्योरी में बता रखा था, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो ये आप क्वेश्चन इजीली से कर सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग CMT, स्टे ट्यून्ड CMT।